एक बार फिर क्यों चर्चा में है डोनाल्ड ट्रंप? एक के बाद एक क्यों बढ़ रही है डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें? 27 साल पुराना कौन सा है वो मामला जिसको लेकर ट्रंप की दिक्कतें बढ़ सकती हैं? क्या है पूरा मामला, बात करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है स्वर्ण और आप देख रहे हैं अनकट। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फिर मुसीबत में फंसते जा रहे हैं। ट्रंप के ऊपर पॉर्न स्टार टॉमी डैनियल के रिलेशन रखने और उसे पैसे देने के आरोपों में केस चल ही रहा था कि अब एक ऑथर ने ट्रंप के ऊपर रेप के आरोप लगाते हुए केस दर्ज करवाया है। अब सबसे पहले ये जानते हैं कि पूरा का पूरा मामला है क्या। तो मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पहले अमेरिकन राइटर एलिजाबेथ जीन कैरोल की ओर से ट्रंप के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया गया था। अब इसके अलावा उन्होंने शिकायत दर्ज करवाई है कि डोनाल्ड ट्रंप ने चेंजिंग रूम में उनका यौन शोषण किया था। जीन कैरोल ने अपनी बुक में भी ट्रंप का उल्लेख किया है। बुक में लिखा है कि ट्रंप ने मैनहट्टन लग्जरी डिपार्टमेंट स्टोर के ड्रेसिंग रूम में उन्हें पकड़ लिया और जोर जबरदस्ती करने लगे। कैरोल का कहना है कि उसके बाद वो मानसिक रूप से काफी ज्यादा परेशान रही। कैरोल का कहना है कि इतने सालों से वो बस इसलिए चुप रही क्योंकि वो डर गई थी। उन्हें डर था कि कहीं ट्रंप इसका बदला उनसे न ले। फिर कैरोल का ये कहना था कि मीटू मूवमेंट के बाद कैरोल में हिम्मत आई और उन्होंने अपनी कहानी सबके साथ शेयर की। जीन कैरोल के गंभीर आरोपों के बाद ट्रंप ने इसका जवाब भी दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ट्रंप ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है। ट्रंप की माने तो कैरोल उनके खिलाफ कहानी गढ़ रही हैं। ट्रंप का कहना है कि जैसे लास्ट 7 ईयर्स में उनके अगेंस्ट आरोप लगे हैं और लगते जा रहे हैं, अभी भी वैसा ही हो रहा है। ट्रंप ने तो इस मामले को फर्जी करार कर दिया है। लेकिन ट्रंप की इन टिप्पणियों को मद्देनजर रखते हुए न्यायाधीश ने उनके वकील को चेतावनी दी है कि अगर ट्रंप ऐसा करते रहे तो उनके खिलाफ कानूनी परेशानियां बढ़ सकती हैं। वहीं कैरोल ने कहा है कि ट्रंप इसे झूठा करार करके उन्हें बदनाम करना चाहते हैं। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है जब ट्रंप के ऊपर कोई इस तरह के एलिगेशन लगे हों। इससे पहले भी ट्रंप कई बार चर्चा में आ चुके हैं और उनपे कई आरोप लग चुके हैं। अभी रिसेंटली ही एक मामला सामने आया था जिसमें बात पता चली थी कि 2016 में पॉर्न स्टार स्टॉमी डैनियल्स को चुप रहने के लिए ट्रंप ने उन्हें पैसे दिए थे। उससे पहले 2021 में ट्रंप पर आरोप लगे थे कि ट्रंप के समर्थकों ने कैपिटल हिल्स यानी कि अमेरिकी संसद पर हमला किया था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो FBI के वारंट में ट्रंप के खिलाफ 3 क्रिमिनल लॉ तोड़ने का भी आरोप है। ये मामला तब का था जब ट्रंप व्हाइट हाउस छोड़कर गए थे, तब ये आरोप लगा था कि वो अपने साथ कई क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स भी ले गए हैं। फिर 2020 में राष्ट्रपति चुनाव के बाद ट्रंप पर नतीजों को पलटने की कोशिश करने के भी आरोप लगे, तो टाइम टू टाइम ट्रंप का नाम सुर्खियों में आता रहा है। इस बार भी ऐसा ही हुआ है। अब देखना ये होगा कि इस बार क्या होता है। खैर, जो भी होगा हम आपको अपडेट देते रहेंगे। जुड़े रहिए अनकट के साथ। इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अनकट को।